काफी सारे लोगों को डिमांड है कि आइस आइस बबल जो गेम है, इस एप्लीकेशन से पैसे को विड्रॉल किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप गेम खेल के पैसे अर्निंग कर सकते हो। जीते हुए अर्निंग जितना भी आपका होता है वो पैसे को विड्रॉल स्टेप बाय स्टेप कैसे करता है, आज सक्सेसफुली मैं अपना पेमेंट प्रूफ दिखाने वाला हूँ एंड वो पेमेंट को हम विड्रॉ करने वाला हूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हो आइस आइस बबल जो गेम है वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारे गेम मिल जाएगा, पहले भी आपको दिखाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। अगर आपको नहीं पता इस एप्लीकेशन से विदाउट इन्वेस्टमेंट भी पैसे कमाया जाता है तो आपको इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर का ऑप्शन में जाना है, वहां पर पहले से ही मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लेना। यहाँ पर देख सकते हैं अभी ऊपर आप देखोगे तो मेरे पास वॉलेट में मैं पेमेंट प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ, 10,690 रुपया मेरे वॉलेट पे है। अब इसको मैं विड्रॉल करूंगा, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। इसके लिए नीचे लेफ्ट साइड में देख सकते हो विड्रॉल का बटन दिया गया है, अगर आपको विड्रॉल का बटन नहीं मिला है तो लिंक से, इस एप्लीकेशन का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस लिंक से अगर करते हो, इस लिंक से अगर इंस्टॉल करते हो तो आपको तुरंत 5 दिन के अंदर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो विड्रॉल बटन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, विड्रॉल डेबिट एंड विड्रॉल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर 500 से नीचे आप विड्रॉल नहीं लगा सकते हो, 50,000 से ऊपर एक दिन में विड्रॉल नहीं लगा सकते, 3% कमीशन जो कि ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। यहाँ पर TPC का एक ऑप्शन मिलेगा, हालांकि आपको और भी यहां पर नीचे ऑप्शन मिल सकता है, अगर TPC का ऑप्शन है तो TPC पे क्लिक करना है, अगर TPC ऑप्शन नहीं है दूसरे ऑप्शन में भी क्लिक करके कर सकते हो। आप सीधा हमें विड्रॉल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सारा कुछ डिटेल्स, अपना बैंक डिटेल्स सारा कुछ भरना पड़ेगा। तो जैसे कि यहां पर सबसे पहले अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, आपका जो भी पासबुक में जो भी अकाउंट नंबर में लेना चाहते हो पैसे वो अकाउंट नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा, बैंक IFSC कोड देना पड़ेगा एंड ईमेल एड्रेस कोई भी एक दे सकते हो, नीचे अकाउंट होल्डर नेम में आपका नाम जो भी है पासबुक में लिखा हुआ होगा, छोटा अक्षर है तो छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर है तो बड़ा अक्षर दे देना एंड फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप को मत देना। नीचे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर दे देना पड़ेगा एंड एड्रेस, आपका एड्रेस जो भी है वो पासबुक में लिखा हुआ होगा वही डालना है, गलत है तो गलत ही आपको डालना है, सही है तो सही डालना है, जो भी है पासबुक में वही को कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट सेव्ड हो जाएगा। सेव्ड होने के बाद आपको क्या करना है, विड्रॉल अमाउंट यहाँ पर क्लिक करना है गैप में एंड यहाँ पर विड्रॉ करना है। हमारे पास अभी 10,690 हुए तो हम यहाँ पर 10,600 रुपया विड्रॉल करेंगे, ठीक है, 10,600 लिख लिया हूँ और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जैसे कि बोले हैं कि कमीशन के तौर से थोड़ा कट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 318 रुपया यहाँ पर कट होने के बाद जितना भी बनता है मेरा पैसा वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बता दूं आप कोई भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, काफी लोग हमें कमेंट करता है कि SBI बैंक के सिवा दूसरा बैंक देने से विड्रॉल होगा या फिर नहीं, तो जो कोई भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं, कोई भी अकाउंट में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, विड्रॉल में क्लिक करेंगे, ये जस्ट विड्रॉल में क्लिक किया हूँ एंड देख सकते हैं विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड प्लीज वेट फॉर प्रोसेसिंग, ओके कर देना है एंड आपको 1 से 5 मिनट के बाद इसको ओपन करना है। जैसे कि अगर आप सारा कुछ डिटेल्स सही सही दिए हो तो आपका 100% विड्रॉल हो जाएगा। फिर से हम विड्रॉल बटन में क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर विड्रॉल रिकॉर्ड पे क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी इन प्रोग्रेस यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक मैंने विड्रॉल किया था जो कि सक्सेसफुली हो चुका था, मैंने करके देखा है कि यहाँ पर विड्रॉल होता है या फिर नहीं, ये भी हम दिखाऊंगा आपको। 1 से 5 मिनट विड्रॉल, 1 से 5 मिनट वेट करना है, हम आपको लाइव सक्सेसफुली दिखाएंगे अगर फेल हो जाता है क्या या फिर सक्सेस होता है, जो भी होता है आपको सक्सेसफुल दिखाऊंगा, जस्ट 5 मिनट आपको वेट करना है, इसी वीडियो में देखना है। तो दोस्तों 2 मिनट हो चुका है, मैं 5 मिनट का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, 2 मिनट हो चुका है, 2 मिनट के बाद मैं फिर से एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले आप मेरा वॉलेट पे देख सकते हो अभी 90 रुपीज है, अगर ये विड्रॉ फेल हो जाता तो यहाँ पर फिर से दोबारा पैसे आ जाएगा, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
ज्यादातर लोग ये भी कमेंट करता है कि मेरा पैसा यहाँ पर प्रोसेसिंग या फिर फेल हो चुका है, तो वो पैसा क्या हुआ। तो यहाँ पर वॉलेट पे दोबारा आपका हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो कस्टमर सपोर्ट ले सकते हो। अब फिर से मैं विड्रॉल बटन में क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सीधा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे विड्रॉल रिपोर्ट पे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हमारा जो विड्रॉल स्टेटस था वो सक्सेस हुआ है या फिर फेल हो चुका है। तो यहाँ पर विड्रॉल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं दोस्तों, सक्सेसफुली मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। ये आप खुद लाइव देख सकते हैं, मेरा स्टेटस दोनों ही सक्सेसफुल हुआ था, जो कि पहले एक बार किया था वो भी सक्सेस हुआ था, एंड आज अभी आपके सामने सक्सेसफुल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर डेट वगैरह भी देख सकते हो, 10,600 विड्रॉल हुआ है। अब मेरे पास एक मैसेज आया है, मोबाइल नंबर जो दिए थे बैंक अकाउंट के साथ लिंकेड है, तो वो उस मोबाइल नंबर में एक मैसेज आया है, वो भी मैसेज आपको दिखा रहा हूँ। ये साइड में देख सकते हैं मेरे यहाँ पर पैसे आ चुका है 10,282, या फिर यहाँ पर आप खुद देख सकते हो ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। कुछ कमीशन काटा गया था तो वो कट हो गए, मेरे बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा बनता है वो ट्रांसफर हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से सेम टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अगर करते हो तो आपका विड्रॉल सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।